भाई गोगोरो उनका नया इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में लॉन्च करने वाला है, तबाही लेके आने वाला है। एथर उनका नया फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आने वाला है। ओला के बहुत सारे सर्विस के इश्यू चालू है और सिंपल वन उनका सिंपल डॉट वन नाम का इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लाने वाला है। तो इन सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो एंड तक जरूर देखना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन भी दबा देना। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों शायद आप ओला इलेक्ट्रिक के फैन हो सकते हो, मैं भी पहले था, बट अभी ये इमेज देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। हंड्रेड्स ऑफ ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है वो सर्विस सेंटर में लगे पड़े हैं, उसकी सर्विस नहीं हो रही है और ये बहुत बुरी बात है। सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो लॉन्च करके कुछ नहीं होता, आपको उसकी सर्विस देनी पड़ेगी, आपको मेंटेनेंस अच्छे से देना पड़ेगा। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट, MOVOS 4, पार्टी मोड, प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक, ये सारी चीजें आप दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर लोगों को सर्विस नहीं मिल रही तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम मार्केट में खराब हो रहा है। तो भाई ओला इलेक्ट्रिक के अगर आप हो तो प्लीज ये देखिएगा, ये न्यूज कार टॉक पे आ चुका है। हंड्रेड्स ऑफ ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वेटिंग फॉर रिपेयर्स इन द सर्विस सेंटर्स, रिप्यूटर्स रिपोर्टेड द पोस्ट पिक्चर्स। तो ये पिक्चर्स देखो आप, कितने बुरे हाल है भाई। ओला की ये वैन पड़ी है देखो, इसके ऊपर बहुत मतलब बहुत दिन हो गए, उसको यूज भी नहीं किया है शायद। ये स्कूटर्स देखो कैसे पड़े हैं और ये देख के बहुत बुरा लगता है भाई। ये टेक्नोलॉजी को मैं प्यार करता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल को, और ये देखो ऐसा देखने के बाद बहुत बुरा लगता है। और ये MH4 की बात चल रही है, सब MH4 वाले नंबर है, मतलब ये मुंबई की बात है। तो आप अगर ओला ओनर हो और ये आपको दिख रहा है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक नहीं है, मैं तो खुद की इलेक्ट्रिक साइकिल चलाता हूं, बट ये देख के तो बहुत बुरा लगता है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच देते हो और बाद में सर्विस नहीं दे पा रहे हो, मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हो। अकॉर्डिंग टू देवेंद्र घुगे, ठाणे सर्विस मैनेजर, द नंबर ऑफ केसेस डेल्ट विद बाय ओला सर्विस सेंटर हैज इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 300 एप्रोक्सीमेटली 1000 पर मंथ इन द पास्ट 4 मंथ्स। तो चार महीने में 1000 केसेस हो गए, मतलब एक महीने में 250 केसेस हो रहे हैं भाई सर्विस के। वेरी सैड, वेरी सैड। मुझे निगेटिव खबर से शुरुआत नहीं करनी थी, बट ये देख के मतलब मैं जाम हो गया भाई। मुंबई में अगर ये हाल है तो बाकी सिटी तो छोड़ी दो। तो ये पहली बात, एथर का पॉजिटिव न्यूज आ रहा है सामने, एथर का न्यूज है। एथर का जो CEO है उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि एक फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आने वाले हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको कवर किया, बट अभी भी स्पेसिफिकेशन सामने नहीं है। अभी अगर एथर की सोचो आप तो दो मॉडल्स इनके सामने है, एथर 450X, वो 2.9 एंड 3.7 किलोवाट आवर में आ जाता है, और एक है एथर 450S जो सिर्फ 2.9 किलोवाट आवर में आ जाता है। तो ये दोनों तो ऑलरेडी मार्केट में अच्छा कर रहा है, बट मुझे एथर थोड़ा ओवर प्राइज इलेक्ट्रिक स्कूटर लगता है। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, क्या आप एथर ओनर हो, क्या एथर को भी सर्विस मिल रही है? मैं तो डाउट करता हूं कि एथर ओला दोनों को सर्विस के बहुत तगड़े इश्यूज है। तो ये तरुण मेहता जी ने ट्वीट किया था, बट दैट्स नॉट ऑल, ओवर द ईयर्स वी हैव ऑल्सो बिल्ट, भाई नहीं चाहिए सब्सक्रिप्शन, ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी दैट लव्स डिजाइन एंड परफॉर्मेंस ऑफ OG 450। जैसा MOVOS 4 है ना, वैसा एथर का OG 450 है। तो 450 सीरीज में अभी और कुछ चीजें ऐड होगी और अर्ली 2024 में एथर का इलेक्ट्रिक स्कूटर आ सकता है। तो अगर आपको एथर एनर्जी अच्छा लगता है, आपको स्कूटर लेना है, तो शायद आपने वेट करना चाहिए और 2024 के मार्च अप्रैल तक इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर आ जाएगा। अभी अगर और पॉजिटिव न्यूज बात करूं तो सबसे बढ़िया न्यूज इस वीक का ये है कि गोगोरो फाइनली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुका है उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंडिया में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और महाराष्ट्र और गोगोरो का बहुत तगड़ा टाइप हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। गोगोरो अगर मैं टाइप करूं यहां पर और मैं आपको दिखा दूं, यहां पर न्यूज दिखा देता हूं आपको। ओके, ये देखो आप, इंडिया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोगोरो टू पार्टनर ओवर 1.5 बिलियन अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, $1.5 बिलियन अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट। और ये जो है ये सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं लाएंगे, ये स्वैपिंग स्टेशंस भी लाएंगे। ताइवानी कंपनी है एंड बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर में $1.5 बिलियन का 8 सालों के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर चुका है, या मैं बोल सकता हूं टाइप कर चुका है। किसके साथ? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। और अभी इनका गोगोरो क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक स्कूटर दिसंबर 12 को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की पूरी जानकारी देने वाला हूं। गाइस अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको पता है इस चैनल पे डिटेल वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे, उसमें से ये एक वीडियो है। थोड़े लंबे चौड़े वीडियो हो जाते हैं अपने,
बट लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये है गोगोरो का क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक स्कूटर, क्रॉसओवर एस मॉडल है और क्रॉसओवर बेस मॉडल है। इसकी खासियत आप देखो, ये इसका हेडलैम्प है, हेडलैम्प को आगे लेके आए हैं। क्यों लेके आए पता है आपको? क्योंकि यहां पे भी सामान रखने के लिए एडिशनल एडजस्टमेंट्स वो देने वाले हैं। पीछे आप देखो, ये पीछे का सीट जो है ये भी निकाल के इसके ऊपर आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। इनका जो बैटरी पैक है वो यहां पे रहेगा, जो स्वैपेबल रहेगा, बैटरी निकाल के स्वैपिंग स्टेशन में डाल के चार्ज बैटरी लेके इसमें डाल पाओगे। पीछे देखो तो इसमें आपको PMSM मोटर मिलेगा, आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक मिलेंगे, बहुत तगड़ा लेग रूम मिलेगा, ड्यूअल टोन बॉडी मिलेगा। और क्या चाहिए, गोगोरो जो करता है तगड़ा कर देता है। तो क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेंगे। द अल्टीमेट टू व्हीलर एसयूवी, एसयूवी बोल रहे हैं, पहले एसयूवी कौन बोला था आप नीचे डालो, टू व्हीलर में एसयूवी कौन बोला था पता है आपको? नहीं पता, मैं बता देता हूं, रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर। क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर का एसयूवी, ऐसा उन्होंने लॉन्चिंग किया था। और यहां पे ये भी यही बात कर रहा है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल होता है एसयूवी का मीनिंग। तो टू व्हीलर एसयूवी इनका रहेगा, क्या रहेगा, क्रॉस फंक्शनल कॉस रिटे, मतलब अलग अलग टेरेन में से इनको लेके जा सकते हो आप। क्रॉस फंक्शनल होगा मीन्स सिर्फ आपको कम्यूटिंग के लिए नहीं, धंधा करने के लिए, सामान लेके जाने के लिए, डिलीवरी बॉयज के लिए, सबके लिए ये काम आएगा। ओके तो ये आप देखो, इसका थोड़ा सा वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, मुझे बहुत प्यारा लगा ये वीडियो। ओके लेट मी शो यू दिस, थोड़ा इसका क्वालिटी हम इंप्रूव कर देते हैं, यस HD क्वालिटी। तो आप देखो भाई, आप यूटिलिटी देखो, पीछे वो सामान रख के कुछ पका भी रहे हैं। यूटिलिटी देखो, वीडियो भी क्या तगड़ा बनाया इन्होंने। ओके बारकोड से RFID से ये स्कैन होगा और चालू होगा। पीछे आप कुछ भी अटैच करके ले जा सकते हो, मतलब यूटिलिटी दिखाई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन कौन से तरीके से यूज हो सकता है वो दिखाया, आगे सामान रख सकते हो, शूट भी बहुत तगड़ा किया है भाई। पीछे भी आप हॉट चीजों रखने के लिए या टेम्परेचर कंट्रोल बॉक्स रख सकते हो, आगे भी बहुत सारी चीजें रख सकते हो। सो क्रॉसओवर नाम ये क्यों रखा है, क्योंकि कहां पे भी इसको लेके जाओ आप, कौन से भी टेरेन में लेके जाओ, ये काम करेगा, ये काम करेगा। तो ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर जब इंडिया में आएगी तो और तगड़े पैमाने पे ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, बिजनेस ग्रो होगा, लोगों को पैसा मिलेगा, रोजगार बढ़ेंगे। आपका इसके ऊपर क्या कहना है मुझे प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये क्रॉसओवर का कुछ वीडियो था, अभी मैं इसके स्पेसिफिकेशंस आपको दिखाना चाहता हूं। भाई दिखने के लिए तो मतलब तोड़म ताड़े, थोड़ा आपको लगेगा भाई अलग सा लुक है, बट अलग है वही बिकता है। यहां से देखो आप, एयर वेंटिलेशन प्रोवाइड किया है, आगे मस्त हेडलैम्प दिया है जो बहुत अच्छा काम करेगा, कहां पे भी लेके जा सकते हो आप इसको। पीछे देखो ये बॉक्स लगा है, डिलीवरी बॉयज इसको यूज कर सकते हैं। ओके देन यू कैन कैरी वेट और स्टे वेटलेस, आप आगे भी कुछ वेट लेके जा सकते हो। एंड मतलब मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रिक स्कूटर ये बनाना चाहते हैं, तो एक स्पेस मतलब तगड़ा स्पेस मिलेगा, यू कैन हैव स्पेस इन द फ्रंट ऑल्सो। ओके यू कैन हैव लाइक आप कुछ सेल कर सकते हो उसको वहां पे, दूरी वगैरह बांध के। पीछे देखो आप कितना सारा सामान रख सकते हो, तो एक्स स्पेस मतलब स्पेस की चिंता नहीं, बहुत स्पेस मिलेगा। एक्स सीट मतलब सीट देखो आप, ये जो सीट है ना, 1-2 फ्लिप सीट, कुछ भी कर सकते हो इसके साथ, मतलब ये आप देख लो आप जाके। बट ये सारी चीजें इसमें आने वाले हैं और ये मल्टी कलर में आने वाला है, तो मतलब आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर खुद कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने ये थोड़ा सा ग्रीनिश शेड सिलेक्ट किया और यहां पे ये देखो ऐसा दिखेगा आपका ड्यूअल टोन इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये देखो रेड और ग्रे में है, फिर ये ग्रीनिश है थोड़ा सा, तो ये आप कर सकते हो इसके साथ। और आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर आप खुद कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, और क्या चाहिए। तो ये सारी चीजें जब होती है ना, तो क्या हो जाता है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। और ये होने से क्या होता है, और लोग इनोवेशन करते हैं और लोग R&D करते हैं। तो फिर से हम जाते हैं इसको, ओके इसको बैक ले लेता हूं मैं, ओ माय गॉड गोगोरो। ओके ओके तो ये देखने के बाद हम अभी देखेंगे इनका कंपैरिजन। ये दो मॉडल्स में आने वाला है, दो मॉडल्स में आने वाला है। इसकी रेंज क्या है, इसकी मोटर कैपेसिटी, बैटरी कैपेसिटी क्या है, सारा मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले तो कलर ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है, मैं जाता हूं सीधा मोटर एंड बैटरी कैपेसिटी एंड रेंज की तरफ। तो 7.6 किलोवाट पीक पावर वाली मोटर मिल जाएगी,
टॉप मॉडल में, बेस मॉडल में 7 किलोवाट पीक पावर वाली मोटर मिलेगी, जो टॉर्क है ना दोनों में तगड़ा है, एक में 206 न्यूटन मीटर व्हील पे टॉर्क मिलेगा, सॉरी मोटर का टॉर्क मिलेगा 206 न्यूटन, और व्हील में जो मिलेगा वो 28 मिलेगा। ग्रेडेबिलिटी भी देखो आप कितने स्पीड पे कितना ग्रेडेबिलिटी मिलेगा, क्लाइंबिंग एबिलिटी मिलेगा वो दिया है, 40 पे सबसे ज्यादा मिलेगा, 40 km/h पे 17 डिग्री चढ़ सकता है, 70 km/h पे 6 डिग्री चढ़ सकता है, तो ये बहुत ही डिटेल दिया है। रेंज देखो आप अप्रोक्सीमेटली 150 का रेंज मिलेगा 30 के स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो, 30 km/h, वेरी गुड। तो ये सारी बातें हैं, इसमें आप टायर साइज भी देख सकते हो, ये इंडिया में दिसंबर में लॉन्च हो रहा है, 14 दिसंबर। आर एंड यू एक्साइटेड? प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में डालना, क्योंकि ओला, एथर, बजाज, टीवीएस ये तो है, मार्केट कैप्चर कर चुके हैं, बट अगर इनको कंपटीशन नहीं आता ना तो घमंड चढ़ जाता है भाई, सर्विस के इश्यूज बाकी सारे। जब कंपटीशन रहती है मार्केट में तो लोग अच्छा सर्विस देते हैं, अच्छा काम हमेशा करते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे ब्रांड्स मार्केट में आने चाहिए, तब तगड़ा काम होगा। तो यहाँ पे फ्रंट और रियर में जो टायर प्रेशर होना चाहिए रेकमेंडेड वो भी मेंशन किया है, एज यू कैन चेक इट आउट। ओके, देन व्हील बेस दिया है, वेट देखो 126 किलोग्राम का वेट रहेगा विद बैटरीज, विदाउट बैटरीज 108 रहेगा, एंड बूट स्पेस दोनों में 18 लीटर का मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये थी डिटेल जानकारी गोगोरो क्रॉस ओवर इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। नाउ सिंपल डॉट वन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, बट मैं तो सिंपल वन को सिंपल वन बोलता ही नहीं, आई फील इट इज कॉम्प्लिकेटेड वन, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता इन्होंने 500 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में बेचे हैं। लॉन्च कब किया है? 15th August 2021, मुझे स्टील आई स्टिल रिमेंबर, ओला इलेक्ट्रिक ने लॉन्च किया 15 August 2021 को, और उसके इमीडिएटली एक या डेढ़ या दो घंटे में सिंपल वन ने लॉन्च कर दिया। और अभी आप ओला इलेक्ट्रिक की सिचुएशन देख सकते हो, ऑफ कोर्स टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है, सर्विस के बहुत इशू है भाई, बट एटलीस्ट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। दैट इज नॉट द केस विद सिंपल वन, सिंपल वन ने बहुत ओवर डिलीवर करने की कोशिश की बट अंडर डिलीवर कर दिया। हमेशा जिंदगी में याद रखना, आपका जो प्रॉमिस होता है वो छोटा रहे बट डिलीवर आप ज्यादा करोगे तो आपकी पॉजिटिव इमेज रहेगी। आपका प्रॉमिस छोटा है और उससे कम आप डिलीवर कर रहे हो, ओवर प्रॉमिस कर रहे हो डिलीवर कम कर रहे हो, तो आपकी इमेज खराब हो जाती है, पर्सनल लाइफ में भी लागू है। तो सिंपल वन तो बोल रहा है कि न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगा अफोर्डेबल, भाई पुराना तो दो पहले, आप पुराना ही डिलीवर नहीं दे रहे हो तो न्यू क्यों ला रहे हो, दैट इज माय क्वेश्चन। तो ये क्यों लॉन्च कर रहा है? ओला S1X को कम्पीट करने के लिए। भाई ओला S1X को कम्पीट करने की करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कब डिलीवरीज दोगे, कब लॉन्च करोगे, कब मार्केट में आएगा? सिर्फ आप लोगों से पैसा लेके, बुकिंग्स लेके डिलीवरी नहीं दे रहे हो तो एक निगेटिव मैसेज आपके बारे में समाज में जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। वेयर एज अगर आप देखो ना सिंपल वन की अभी की जो है ये वेबसाइट है उनकी, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सब लोग देखना चाहते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है, 212 किलोमीटर का रेंज बोला है, 2.77 सेकंड्स में 0-40 कर देगा, 105 का टॉप स्पीड मिलेगा, बट जब तक ये मार्केट में दिखता नहीं तब तक बिकेगा नहीं, जो दिखता है वो बिकता है। आपको क्या लगता है सिंपल वन ने गलती की है या नहीं, मुझे प्लीज आप नीचे कमेंट में डालो। तो 5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, ओला S1X से अगर कंपीट करने वाला है तो 2 या 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक होगा, रेंज ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर की रहेगी, और यहाँ पे ऑलरेडी इनका जो बड़ा प्रोडक्ट है उसमें 212 किलोमीटर की रेंज है भाई, बट मार्केट में नहीं है, सामने नहीं दिख रहा, तो कौन लेगा? रियली सैड टू सी दिस। हाँ इसके कलर ऑप्शंस भी तगड़े हैं, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, बट प्री बुकिंग्स भी अभी ये नहीं ले रहे, क्योंकि जो पहली बुकिंग्स है वही ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो अभी क्या प्री बुकिंग लेंगे। तो गाइज ये थे डिटेल अपडेट। सबसे बुरी बात मुझे ये देख के लगी कि ओला के बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है उनको सर्विस नहीं मिल रही है, ठाणे की बात चल रही है, और ये ठाणे से अपडेट है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखो कितनी पड़ी है, तो सर्विस दो भाई, नहीं तो नाम खराब हो जाएगा। उसके बाद में मुझे सबसे पॉजिटिव अपडेट ये लगा कि जो गोगोरो है उसकी क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ही जल्दी इंडिया में तगड़े कलर्स में, तगड़े स्कीम्स में, मल्टी यूटिलिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में आने वाली है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और अगर इन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया ना तो ओला, एथर, ये सब सो जाएंगे, ये क्योंकि गोगोरो $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ कर रहा है। वो मुझे पता है वो बैटरी स्वैपिंग में या एनर्जी स्टोरेज में कर रहा है, बट वो आप सोच देखिए उनकी, अभी वो बैटरी स्वैपिंग के साथ वो चार्जिंग स्टेशन के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी बढ़ेंगे। तो आपको कौन सा अपडेट अच्छा लगा नीचे कमेंट करके बोलना। मिलेंगे गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।